दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ड्रॉइड वीपीएन। दोस्तों बहुत ही कमाल का वीपीएन है, आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये थोड़ी प्रीमियम टाइप की है, लेकिन आपको आप ये फ्री में एक्सेस कर सकते हैं अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और आप इसे बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो वीपीएन है अपने प्राइवेसी को लेके बहुत अच्छा है, ये अपने प्राइवेसी को कभी लीक नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन का बूट लोडर कैसे अनलॉक कर सकते हैं बिना पीसी या फिर बिना किसी बूट, अगर आपका फ़ोन अगर रूटेड नहीं है तो भी आप अपने फ़ोन को बूट लोडर उसका अनलॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखी होंगी जिसमें मैंने MIUI 10 पे मैंने काफ़ी वीडियोस को बनाई है, तो उस टाइम ये दोस्तों ये ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि जो Xiaomi है वो अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो फिर वो ट्रिक उसमें काम नहीं करेगी। अगर ये ट्रिक अगर आप MIUI 11 में करेंगे तो 100% काम करेगी, नहीं काम करता है तो आप कमेंट बताइए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना सेटिंग को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर देना है, जैसा कि उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो फिर इसको मैं अपना डेवलपर ऑप्शन में आ चुका हूँ, तो लिखा है नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। ठीक है, सो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाते ही यहाँ पे आपको OEM अनलॉकिंग को इनेबल कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, MI अनलॉक स्टेटस आप देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस इस टाइम अनलॉक है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस अनलॉक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उससे आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और ये जो फाइल है इसे आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फाइल कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यह फाइल 3.5 MB की है, तो आप सिंपली बस इसे गेट लिंक पे क्लिक करिए। और उसके बाद क्या करिए, यहाँ पे टैप करिए, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइल डाउनलोड होना शुरू हो रहा है। तो दोस्तों मैं फ़ाइल पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ यहाँ की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र में या फाइल मैनेजर में जाता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जो MI का फाइल मैनेजर है आप उसको मत इंस्टॉल करिएगा, मतलब है तो कोई बात नहीं, वैसे आप ES फाइल एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास एप्लीकेशन है ES फाइल एक्सप्लोरर, तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर दीजिएगा। कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है ES फाइल एक्सप्लोरर ऐप, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जाते ही, यहाँ नीचे नहीं, यहाँ पे डाउनलोड APK पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बेसिक सा है, मैं फाइल वैसे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद जो आपने फाइल, जहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड है, वैसे डाउनलोड तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे मिलेगा, उसके बाद ये फाइल रही तो इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करके SD कार्ड में यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं तो पहले से ही फाइल को किया हूँ तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मुझे, और दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको SD कार्ड बहुत कंपलसरी है, अगर आपके पास SD कार्ड नहीं है तो आप SD कार्ड लगवा दीजिए, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ टाइप का फोल्डर आ जाएगा, MI बूट लोडर अनलॉक। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला है, ये फाइल जो क्वेश्चन मार्क की तरह फाइल है, आप सिंपली इसको क्लिक करिएगा और इसको टेक्स्ट में ओपन कर दीजिएगा, और ओपन एज में सेट एज डिफ़ॉल्ट एज में ES नोट एडिटर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ ग्रीक लैंग्वेज में कुछ आपको ऐसा इंटरफेस कुछ दिखेगा, उसके बाद यहाँ इनकोडिंग पे आप क्लिक करेंगे
उसके बाद नीचे जाते 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 आप ASNIAC यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसा में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में आप यहाँ पे आप यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। कट मतलब इस फाइल को कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये पे यहाँ पे क्लिक करिए और UINIX ट्रांसमिनिस्ट्रल LIF पे आप क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर ओके करते ही आपका जो बूट लोडर है उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप बैक करिए और अपने फ़ोन को आप रिस्टार्ट करिए, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने अपना फ़ोन को रिस्टार्ट कर दिया। अब चलिए चेक करते हैं कि मेरा बूट लोडर अनलॉक हुआ कि नहीं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन, उसके बाद MIUI अनलॉक स्टेटस। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, ठीक है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय दोस्तों।